पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की और ऐसे आदमी को, बाहरी आदमी को टिकट दी जो पार्टी की लाइन का आदमी नहीं था, उसके पोस्टों पे कमल का फूल भी नहीं था। अगर हमारे हमारे ब्राह्मणों में टिकट देनी थी तो हमारे दादा हैं सुखबीर बलेन्द्र जी, उनको दे देते। नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं देश रोजाना जयप्रकाश के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पिरथला विधानसभा के चर्चित चेहरा दीपक डागर। आज बड़ी जनसभा बुलाई, सारे रिकॉर्ड पिरथला विधानसभा के उन्होंने तोड़ दिए हैं। और आपको बता दूं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी फैसला जो पंचायत की तरफ से आया, चाहे निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से चुनाव लड़े, डागर साहब आज पूरे रिकॉर्ड तोड़े हैं आपने। इतनी बारिश में भी लोग इतनी भीड़ जमा करना हंसी खेल ली। आज मेरे पिरथला परिवार ने जो प्यार मेरे पे दिखाया, मैं उनका जीवन आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। और हर 36 बिरादरी के मेरे जो पिता तुल्य, मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, विवाह साथी हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं और उनसे प्रार्थना भी करता हूं इस प्रेम को वो और ज्यादा बढ़ाएं, जिससे कि हम भारी मतों से पिरथला विधानसभा जीत पाए। डागर साहब, 5 से 6 आप उम्मीदवार रहे पिरथला विधानसभा में, टिकट मांग रहे थे, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट ना मिला, सभी ने भारी रोष जताया। और रोष जताने के बाद सुखबीर मलिना ने भी पंचायत की निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, नैनपाल रावत ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और आपने इतनी बड़ी जनसभा बुलाई है, इतने ज्यादा लोग आए हैं, तो क्या कहेंगे जनता से कि कितना प्रेम आपको गांव से भी मिला और इलाके से 104 गांव से भी मिला? मेरे को आज इतना प्रेम मिला है, शायद ही ये प्रेम किसी और को मिलेगा आने वाले टाइम में भी। 36 बरादरी ने बहुत आशीर्वाद दिया और जो मेरा हौसला बढ़ा है वो जीत में तब्दील होगा। रही बात बीते हुए कल की, पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की और ऐसे आदमी को, बाहरी आदमी को टिकट दी जो पार्टी की लाइन का आदमी नहीं था, उसके पोस्टों पे कमल का फूल भी नहीं था। अगर हमारे ब्राह्मणों में टिकट देनी थी तो हमारे दादा हैं सुखबीर बलेन्द्र जी, उनको दे देते। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहते और उनके साथ चलते। आज ये नौबत नहीं आती जो आज आई है। अब हम पूरी लोकसभा में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। यहाँ तो ये हार ही रहा है, और जगह भी हम जाके बीजेपी को वोट ना देने की अपील भी करते हुए पूरी सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। कल नैनपाल रावत ने भी बगावत की, उन्होंने कृष्ण पाल को भी तंज कसे। आज आपने भी कह दिया कि भाजपा को हराने का काम करेंगे। चुनाव लड़ने के बाद जनता के क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आपके किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? भाई, हमारे 36 बरादरी को, समाज को पता है कि बेटा उनका, ये बेटा दीपक डागर जाजरू, जो वो कहते हैं वो मैं कर देता हूँ। भाई, चाहे साफ सफाई की बात हो, पूरे क्षेत्र में लाइट लगाने की बात हो, हम ग्रामीण आंचल का हमारा क्षेत्र है, बम्बे नालियों को साफ करने की बात हो, पानी की व्यवस्था के लिए नल लगाने की बात हो, अपने चौपाड़ों पर इन्वेटरों की मरम्मत करने की बात हो, कोई ऐसा मंदिर होगा 104 गांव से जिसमें मैंने कुछ ना कुछ ना किया हो, अपने सनातन धर्म के अनुसार जो प्रण निभाया है हरमिंदर में कोई ना कोई काम कराने की बात हो, बहन बेटियों, जो गरीब बहन बेटी हैं हमारी, उनके लिए कुछ ना कुछ योगदान देने की बात हो, सामूहिक विवाह की बात हो, ऐसे सैकड़ों काम हैं जो मैंने हर वर्ग के लिए किए हैं और जिसने जो बोला है उस अनुसार किए। और मैं आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं 36 बरादरी का बेटा हूँ और उनके कहे अनुसार ही चलूंगा। अब भी नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन अभी हमारे जो एक पंचायत में निर्णय लिया, भी एक कमेटी बनी है, उसको पूछेंगे, उसके बाद जो भी रूपरेखा बनेगी वो बनाएंगे। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे दीपक डागर, चर्चित चेहरा, रिकॉर्ड तोड़ आज उन्होंने एक जनसभा बुलाई है। जनसभा ने पूरा रिकॉर्ड पिरथला विधानसभा का तोड़ दिया। कहीं ना कहीं पिरथला विधानसभा में पार्टी का कोई महत्व नहीं होता, चेहरे का महत्व होता है। पहले भी निर्दलीय विधायक यहाँ से नैनपाल रावत जीते हैं, उसी कड़ी में दीपक डागर भी चाहे निर्दलीय आए या किसी पार्टी से चुनाव लड़े,
ऐसा जनता ने फैसला उनके पक्ष में दिया है। अगले अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए देश रोजाना जय प्रकाश। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।